और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश ने इस मुसीबत को और बढ़ा दिया है। अब तक राज्य में कोरोना के मामले 2,06,000 के पार जा चुके हैं। मुंबई पर एक तरफ जहां मॉनसून की मार जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना कयामत ढा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और मरीजों के बढ़ते आंकड़े हर रोज डरा रहे हैं। बीते चार दिनों में रोजाना 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,555 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 151 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,06,600 को पार कर चुकी है, जबकि 8,822 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में उद्धव सरकार हर मुमकिन उपाय कर रही है, लेकिन बीजेपी उसे फेल बता रही है। वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, या बेड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये कम पड़ रहे हैं, और इसके कारण जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है। मैं महाराष्ट्र सरकार को गुजारिश करता हूँ, सभी पार्टियों को, सभी दलों को साथ लेके कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से कराह रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,287 नए केस बढ़े हैं, जबकि 69 मरीज बीमारी से जंग हार गए। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 84,500 के पार जा चुका है, जबकि अब तक 4,899 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण शुरू हो चुका है? Well, community spread maybe possibly we are not really having community spread, क्योंकि अभी आप लोग इतने बढ़ गए हैं तो उनके कॉन्टैक्ट से हो रहे हैं। आई विल स्टिल हैव सम डाउट्स के कम्युनिटी स्प्रेड शायद नहीं अभी हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना काल बनकर टूटा है। राज्य में अब तक 5,205 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 68 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।